Hello everyone, in continuation of the online lecture series, this is the second video of the lecture Polymer. तो last session में हमने क्या पढ़ा था? Polymer की definition पढ़ी थी कि Polymer होते क्या है? बहुत सारी units join करके Polymer बन जाती है. छोटी छोटी units, small smaller units, जिन्हें हम monomer कहते हैं, वो join होके क्या बना देती है? Polymer बना देती है, ठीक है? और हमने क्या किया था? उनके कुछ examples लिए थे, जैसे कि rubber हो गया, natural rubber, cellulose, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर. और हमने क्या किया था, क्लासिफाई करना शुरू किया था पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्सेस. तो अगर नेचर से मिल रहा है तो नेचुरल पॉलीमर है. नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल क्या आते हैं? सेलुलोज, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा. इन नेचुरल पॉलीमर में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग करा दी तो हमें मिला था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, जिसमें सेलुलोज, डाइएसिटेट, सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट एंड और वल्कनाइज्ड हमने रबड़ इसमें पढ़ी थी, ठीक है. थर्ड हमने पढ़ा था सिंथेटिक पॉलीमर, कंप्लीटली मैनमेड पॉलीमर है जिसमें पॉलीथीन, पीवीसी एटसेट्रा आपके आ जाते हैं एग्जांपल्स. सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर. अगर एक ही मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है तो होमोपॉलीमर, दो या दो से ज्यादा मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोपॉलीमर. तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है. तो ये सेकंड लेक्चर है पॉलीमर सीरीज का. अब हम इसमें क्लासिफाई करेंगे पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो फर्स्ट जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज लीनियर पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर, इस पॉलीमर में क्या होता है कि जो आपकी मोनोमर यूनिट्स हैं ये जॉइन होकर लीनियर चेन बना देती है, ठीक है. इस टाइप से लीनियर चेन्स बन जाती है पॉलीमर यूनिट की. अब ये जो पॉलीमर की चेन है ये एक दूसरे के ऊपर क्लोजली पैक हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हो जाती है क्लोजली. तो पैकिंग क्या है इसकी, बहुत डेंस है, बहुत क्लोजली पैक्ड है. लीनियर चेन्स है पॉलीमर की, क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के ऊपर. क्या है पैकिंग, कैसी है इसकी, क्लोज पैकिंग है. तो डेंसिटी कैसी हो गई इसकी, क्लोज पैकिंग की वजह से डेंसिटी इसकी हाई हो गई है. क्लोज पैकिंग की वजह से डेंसिटी हाई हुई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो गई, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलीमर बना, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी हाई हो गई. तो ये था आपका लीनियर पॉलीमर चेन, मिलके जस्ट एक लीनियर चेन बना देते हैं. वो चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है, बॉन्ड के थ्रू नहीं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती है, स्टैकिंग हो जाती है. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है आपके पास, पॉलीथीन. पॉलीथीन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दो तरह की पॉलीथीन बनती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो पॉलीथीन इस केस में आएगी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE बोलते हैं इसे, ठीक है. और के एग्जांपल्स हैं इसके, पीवीसी, नायलॉन एटसेट्रा. ये आपके किस में आ गया है, लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है. सेकंड क्या हो गई, अगर लीनियर है तो और क्या हो सकती है, ब्रांच. तो सेकंड आपका टाइप है ब्रांच पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. अब क्या किया पॉलीमर ने, लीनियर चेन तो बना लिया आपस में जुड़ जुड़ के, लीनियर चेन के साथ साथ कुछ ब्रांचिंग भी साइड से निकल जाती है. मेन चेन के साथ साथ क्या होगा, ये मेन चेन है, इसके अलावा ब्रांचिंग भी हो जाएगी आपकी पॉलीमर चेन के अंदर, ठीक है. ये अब दूसरी चेन हो गई है, इसकी भी ब्रांचिंग है. तो आप खुद देखिए इन ब्रांचिंग की वजह से क्या एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे. तो डेंसिटी भी क्या हो गई, पैकिंग इसकी क्या क्लोज रही, पैकिंग इसकी क्लोज नहीं रही, लूजली पैक्ड होते हैं ये, ठीक है. तो डेंसिटी कैसी हो गई इनकी, डेंसिटी हो गई है इनकी लो. तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे पॉलीमर की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल था, लीनियर का. तो लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्रांच का. इनको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम थोड़ी देर बाद, जब हम पॉलीथीन का पूरा पढ़ने वाले हैं. लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया इसे, LDPE.
और क्या है इसका एग्जांपल? ग्लाइकोजन, ये एनिमल पॉलीमर है, और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही एक फॉर्म है, स्टार्च में एमाइलोज चेन होती है, एमाइलोपेक्टिन, जिसे आप बायोमोलिक्यूल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दो पॉलीमर पड़े, लीनियर और ब्रांच। एक थर्ड कैटेगरी होती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इस केस में देखिए क्या होगा, आपके मोनोमर यूनिट्स जुड़ के पॉलीमर की चेन बना देंगे, ठीक है, इस टाइप से। बट ये पॉलीमर चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी थ्रू क्रॉस लिंकिंग, इस टाइप से एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। ये पॉलीमर चेन्स आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? क्रॉस लिंकिंग के थ्रू। ये पॉलीमर ही है, यहां बॉन्ड ही बने होंगे, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। जब आपकी पॉलीमर चेन आपस में क्या हो जाए, लिंक्ड हो जाए, तो क्रॉस लिंकिंग हो गई और नाम दे दिया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है इनका, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या हो गए आपके पास? बैकेलाइट, ध्यान से देखो, ये ब्रांचिंग नहीं है बेटा, ब्रांचिंग में इस टाइप से साइड चेन्स निकलेंगी मेन चेन के अलावा, लेकिन वो जुड़ी नहीं होंगी। इस केस में ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके एग्जांपल से बैकेलाइट, तो बैकेलाइट के मोनोमर कौन कौन से हैं? फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एक है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एक होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये किसके एग्जांपल्स पढ़े हैं अभी आपने? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के, ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। तो फर्स्ट पॉलीमर कौन सा पड़ा? लीनियर, सिर्फ लीनियर चेन होंगी, एक दूसरे के ऊपर क्लोजली पैक हो जाएंगी। अगर इन लीनियर चेन में ऐसे से ब्रांचिंग निकाल दो आप, ठीक है, ब्रांचिंग निकल गई, तो क्या आपस में क्लोज पैक हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। थर्ड क्या है? क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या है कि आपके ये दो पॉलीमर चेन है और ये आपस में भी कनेक्ट हो गए इस टाइप से, ठीक है, दो या तीन से ज्यादा कनेक्शन है, तो क्या मूवमेंट हो पाएगी? नो। इसीलिए ये वाले पॉलीमर्स जो होते हैं इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती और ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये बैकेलाइट जनरली स्विचेस प्लग वगैरह बनाने के काम आते हैं, इनको डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ध्यान से पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, कोई पॉलीमर है आपके पास, पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी कि पॉलीमर कितना हार्ड है या कितना ब्रिटल है, या फिर पॉलीमर में इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब उसकी आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। उसकी डेंसिटी कैसी है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब जो भी प्रॉपर्टीज हैं पॉलीमर की, वो किस बात पे डिपेंड करेगी? इनडायरेक्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके मॉलिक्यूल्स ने मिलकर चेन बना दी है, पॉलीमर की चेन। अब इन चेन्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस लगेंगे उन्हें हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी में आ जाता है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये सब फोर्सेस एक्ट करते हैं इन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर चेन, ठीक है, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर चेन। तो अब देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो कितने ज्यादा फोर्सेस लगेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किन बातों पे डिपेंड करेगा?
magnitude of intermolecular forces किन बातों पे डिपेंड किया है हमारा, कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर अगर मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल का नंबर जाने का मतलब क्या है कि लेंथ कितनी ज्यादा है, लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही ज्यादा उनके बीच में फोर्सेस एक्ट करेंगे। और किस बात पर डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पॉलीमर चेन के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि कितने मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे और कितना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। तो ये था तक आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, फर्स्ट इज इलास्टोमर, देन फाइबर, देन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हमने की है दैट इज इलास्टोमर। इलास्टो वर्ड आया है बच्चे इलास्टिसिटी से, इलास्टोमर मतलब यूनिट अभी आपने पढ़ा था, इलास्टोमर मींस इलास्टिसिटी। तो ये जो पॉलीमर होते हैं इनमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। रबर देखी आपने, रबर को आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाती है ना, और जैसी फोर्सेस छोड़ा वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो एक जो आपकी पॉलीमर है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी वो अपनी लेंथ का 10 टाइम्स लेंथ तक भी स्ट्रेच हो सकता है, और वापस से जैसी फोर्सेस हटाओगे वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। तो इनमें माना जाता है इलास्टोमर में सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इलास्टोमर्स के अंदर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, आप इन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं विद इन अ सर्टेन लिमिट्स, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, वी कैन स्ट्रेच देम या कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू 10 टाइम्स ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब ये स्ट्रेच हो रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ये रैंडम कॉइल होती है इस टाइप से, और बीच बीच में कहीं थोड़ी बहुत क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत वीक वांडरवाल फोर्सेस होंगे और वो भी बहुत कम एक्ट कर रहे होंगे, वीक वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, थोड़ी बहुत क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है लेकिन अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट। तो अब आपने क्या किया, जैसे ही आप इन पे फोर्स लगाते हो तो ये क्या कर जाता है, थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है अपनी लेंथ से ज्यादा, ठीक है, और इनके बीच में कहीं कहीं क्रॉस लिंकिंग भी होती है, और भी ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेच शेप को, स्ट्रेचेबल जो शेप होती है उसे रिगेन नहीं कर सकते हैं, फोर्सेस कम है इसलिए, और वापस अपने उसी शेप में आ जाते हैं। तो जो क्रॉस लिंकिंग होती है ये स्ट्रेच फॉर्म को रिटेन नहीं करने देती है, समझ में आया। इलास्टोमर्स जो इजिली स्ट्रेच हो सकते हैं, वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आप खुद भी बता सकते हैं, देखो पहला क्या आपके मन में एग्जाम्पल आया इनका, रबर। रबर की ही एक और फैमिली है, रबर की पूरी फैमिली है, उसमें उसके एग्जाम्पल्स हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन, रबर सिंथेटिक और नेचुरल रबर, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी विच इज इलास्टोमर, एंड सेकेंड कैटेगरी इज फाइबर। वीडियो पॉज करो, इसे फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो सेकेंड इज फाइबर, फाइबर
fibers are considered to be having strongest intermolecular forces. फाइबर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, अमंग ऑल दीज पॉलीमर्स. ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, इसमें भी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये और क्लोजली पैक्ड होती है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होती इनमें. अभी देखो ये फाइबर है, स्ट्रेचेबिलिटी भी थोड़ी कम ही होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है. अब ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इनके एग्जांपल्स लेते हैं हम नायलॉन. नायलॉन किस फैमिली से आया हमारा? पॉलीअमाइड फैमिली से. ठीक है, पॉलीअमाइड, अमाइड जिसमें लिंकेज होती है. तो नायलॉन के जितने भी है 6, 6, 6, 10, 6, ये सब किस में आ जाती है? आपकी पॉलीअमाइड फैमिली की आ जाती है. नायलॉन, पॉलीएस्टर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? फाइबर्स के एग्जांपल है. पॉलीएस्टर जिसके कोट या फैब्रिक बनाए जाते हैं. ठीक है, आप फैब्रिक को ऐसे खींचोगे तो खिंचता है क्या? इसलिए इलास्टिसिटी नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं. ये है आपका फाइबर. ठीक है, तो इसमें होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. अब एक क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे मैंने आपको नायलॉन 6, 6 की स्ट्रक्चर बताई थी. नायलॉन 6, 6 ध्यान से देखो क्या बताया था. नायलॉन 6, 6 में दो मोनोमर है, मोनोमर 1, मोनोमर 2. दोनों में कितने कार्बन आइटम्स हैं? 6. पहला कौन सा मोनोमर है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन. और दूसरा कौन सा मोनोमर था? एडिपिक एसिड. ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन को कैसे लिखते थे? CH2 का होल 6 NH2 NH2. एडिपिक एसिड इज COOH, CH2 का होल 4 COOH. H और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहां. ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. तो हमारे पास पॉलीमर क्या बना? देखो NH, CH2 का होल 6 NH, CO, CH2 का होल 4 CO, एंड ये कंटिन्यू करती रहती है आपकी चेन. तो अगर हम इन्हें रिप्रेजेंट करें बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड की फॉर्म में, तो देखो कैसे करेंगे. देखो ये है CONH. ठीक है, ये एक कार्बन, ये अमाइड बॉन्ड है. ये CONH को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, NHCO या COONH. इसीलिए किस फैमिली का आया था? पॉलीअमाइड का, क्योंकि बहुत सारे अमाइड ग्रुप हैं. अब ये अमाइड लिंकेज दिखा दी CONH, इसके बाद ये हेक्सामिथाइलिन वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2 आ गए, देन 1, 2, 3, 4 CH2 वाले 4 CH2 आ गए, कार्बन आ गए. ठीक है, अब दोबारा से हम इसे ऐसे बना लेते हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट चेन्स है नायलॉन 6 की. अब ध्यान से देखिए, ये CO का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस टाइप से ये क्या है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और बहुत सारी चेन्स के बीच में ये चेन दूसरी चेन से लिंक होगा, ये हाइड्रोजन दूसरी चेन से लिंक होगा, ये ऑक्सीजन दूसरी, इस टाइप से जितनी चेन्स है इन सब के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, इसीलिए ये फाइबर जो केसेस होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मोलिकुलर फोर्सेज इसमें पाए जाते हैं. तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास थर्मोप्लास्टिक. अब अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी? हाई होगी. मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई होगा. और स्ट्रेंथ भी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी इनकी? हाई होती है. सो थर्ड कैटेगरी इज थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक ये जो पॉलीमर है इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ
इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो होती है किस किस के बीच में लाई करती है, लाई बिटवीन फाइबर एंड इलास्टोमर्स। आपने कहा इलास्टोमर में क्या है, वीकेस्ट फोर्सेस है, फाइबर में मतलब क्या बता दिया, स्ट्रांग है। तो फाइबर और इलास्टोमर के बीच में जो स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होती है, थर्मोप्लास्टिक की। ना तो फाइबर की तरह बहुत स्ट्रांग है ना इलास्टोमर की तरह बहुत वीक है। इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूम टेम्परेचर पर ये जो पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये होते हार्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें हीट करते हो, हीट करने पे ये बन जाते हैं सॉफ्ट। अब सॉफ्ट बन गया तो आप इसे किसी भी नई शेप में ढाल सकते हो, यानी कि आप इन्हें क्या कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो। सो दीज पॉलीमर्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। ऑन हीटिंग, हीट करके आप इन्हें अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, अभी कैसी हार्ड है, आप इसे हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएगी, एक नई शेप दे दो, रीमोल्ड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीमोल्ड करने पे, यानी कि हीट करने पे इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या आया कि हीटिंग से इनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग। हीट करने पर थर्मोप्लास्टिक की केमिकल कॉम्पोजिशन पे या केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई भी असर नहीं पड़ा और आप नया कोई भी पॉलीमर दे सकते हो। पॉलीमर तो सेम ही रहेगा, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, तो बार बार रीहीट करके शेप चेंज कर सकते हो, किसका, थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इनके बीच में कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होती, कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होती है। एग्जांपल्स क्या है, पॉली वाले जो एग्जांपल्स है ना, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीएएन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएएन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब के सब थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। फोर्सेस किनके बीच में लाए करेंगे, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते हैं, कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होती है, हीट करके नई शेप इन्हें आप दे सकते हो, दे कैन बी रीमोल्डेड, ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लो। अब लास्ट कैटेगरी जो आ रही है वो है थर्मोसेटिंग, ठीक है। अभी देखो एक और कंपाउंड आते हैं हमारे पास, प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स। ये जो प्लास्टिसाइजर्स क्या हैं, आपके पास कभी कभी जो पॉलीमर बना है, जो पॉलीमर सिंथेसाइज हुआ है, वो क्या होता है, हार्ड होता है बहुत और ब्रिटल होता है। तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए या उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिला देते हैं, ये क्या आपका हार्ड पॉलीमर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनमें कोई केमिकल कंपाउंड्स ऐड किए और अब ये पॉलीमर कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया है, वर्केबल हो गया है, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को आप क्या नाम देते हो, प्लास्टिसाइजर्स। इन्हीं कंपाउंड्स को आप क्या बोल देते हो, प्लास्टिसाइजर्स। और कुछ प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि डाई एल्काइल फॉस्फेट, सॉरी डाई एल्काइल थैलेट, कुछ प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल क्या है, डाई एल्काइल थैलेट और क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये सब आपके क्या है, प्लास्टिसाइजर है, कुछ नहीं है, सॉफ्टनिंग के काम आते हैं। जैसे पीवीसी जब बनता है तो थोड़ा हार्ड और ब्रिटल होता है, तो अगर ये प्लास्टिसाइजर्स उसमें ऐड कर दिए जाए तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, वो है आपकी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की।
thermosetting polymer. Thermo means heat. Thermosetting, heat करके मतलब एक बार set हो गए हैं. अगर कोई याद कैसे करोगे, set मतलब है कि इन polymers को आप heat कब करोगे तो एक form ले लेते हैं और दोबारा heat करने पर वो नई form नहीं ले पाते, खराब हो जाते हैं. यानी कि जैसे आप थर्मोप्लास्टिक को बार बार हीट करके सॉफ्ट कर देते हो और नई शेप दे देते थे, थर्मोसेटिंग ने एक बार जो शेप ले ली उसके बाद वो दोबारा शेप को चेंज नहीं कर सकते हो. सो दे कैन नॉट बी, सो दीज पॉलीमर्स कैन नॉट बी रीमोल्डेड ऑन हीटिंग. एक बार जो शेप ले ली उसके बाद वो दोबारा से शेप चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है. और ये पॉलीमर्स कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं. देखो होता क्या है बेटा कि ये पॉलीमर नॉर्मल पॉलीमर बनाया आपने, ठीक है. अब अगर आप इन्हें हीट करते हो तो इनकी कुछ शेप चेंज हो जाती है और इनके बीच में आपस में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है. पॉलीमर चेन्स के बीच में क्या हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है. तो कैसा पॉलीमर बना, हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म हो जाता है आपके पास, ठीक है. तो अब जब क्रॉस लिंकिंग है तो इलास्टिसिटी होगी, नो. इसीलिए कैसे हार्ड है, ब्रिटल है, दोबारा बार बार शेप में चेंज नहीं हो सकते. तो इनके एग्जांपल्स हैं बैकेलाइट, जिसके मोनोमर क्या क्या थे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड. फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड. और क्या एग्जांपल्स हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एंड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. सो हमने क्लासिफाई कर दिया है पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. फाइबर है, इलास्टोमर्स है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक. तो जो इलास्टोमर्स है उसमें वीकेस्ट फोर्सेस माने जाते हैं, रबर इसका एग्जाम्पल है. फाइबर में स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं नाइलॉन, नाइलॉन 6-6, पॉलिएस्टर उसके एग्जांपल्स हैं. थर्मोप्लास्टिक उन दोनों के बीच में लाई करते हैं. थर्मोसेटिंग में स्ट्रॉन्ग होता है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ये बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, सॉरी. और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड. थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या है, थर्मोप्लास्टिक को रीशेप कर सकते हो हीटिंग पे, थर्मोसेटिंग में रीहीट कर, हीट करके रीशेप नहीं कर सकते. तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है बेटा. अब एक और क्लासिफाई कर देते हैं हम जल्दी से, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द मोड ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन के मोड के बेसिस पे आप इन्हें कैसे क्लासिफाई करोगे, तो आपको क्या करना है, फिलहाल इनको नोट डाउन करना है साथ के साथ, ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट जो पॉलीमर आया वो आए एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन यानी कि एक मोनोमर आया, दूसरा ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट ऐड हुआ, तो एक चेन कंटिन्यू आपकी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है. चेन कंटिन्यू ग्रो कर रही है, एक मोनोमर आएगा उससे दूसरा मॉलिक्यूल उसमें ऐड होता चला जाएगा और इस टाइप से आपकी चेन कंटिन्यू करेगी. तो इसको हम और क्या बोल देते हैं, चेन ग्रोथ. अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो पॉलीमर इस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन. और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंटिन्यू चेन आपकी ग्रो करती चली जाती है, ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स क्या थे, पॉलीथीन है ना, मोनोमर क्या है पॉलीथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. और क्या है, PVC पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है. तो विनाइल क्लोराइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक H को रिप्लेस कर दिया विद Cl. और क्या है, PAN पॉली एक्राइलो नाइट्राइल,
polyacrylonitrile, CH2 double bond CH, पॉलीथीन का इथीन का एक CH हटा के हमने लगा दिया CN, अब ये बन गया एक्राइलोनाइट्राइल, और जो इससे पॉलीमर बनेगा वो क्या बन जाएगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, एक होता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इसकी शॉर्ट फॉर्म है PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। देखो इथीन क्या होता है, इथ मतलब दो कार्बन, ईन का मतलब उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा देते, हाइड्रोजन लगाते थे। अब यहां लेकिन हमारे पास क्या दे रखे हैं, फ्लोरो, कितने फ्लोरो, फोर फ्लोरो, तो हम क्या कर देंगे, चार इसे फ्लोरीन अटैच कर देते हैं, तो क्या बना, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, ये क्या है, मोनोमर है टेफ्लॉन का, टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, और ये आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, सपोज वी हैव एन नंबर्स ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो मैंने क्या बताया था, डबल को क्या करना है, सिंगल, और CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, दोनों साइड बॉन्ड की अटैचमेंट कर देनी है, जितने मॉलिक्यूल्स यहां लिए थे वही मॉलिक्यूल यहां ले लेते हैं। सो दिस इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स, एक के बाद एक जुड़ता चला जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और इस प्रोसेस के थ्रू जो पॉलीमर्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर यानी कि जैसे ही पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा तो एक मोनोमर आया और दूसरा मोनोमर आया, मोनोमर वन मोनोमर टू आपस में जुड़ेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा, यानी कि कुछ साइड प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो दो मोनोमर आए आपस में कंडेंस हुए विद द लॉस ऑफ सम बाय प्रोडक्ट और बाय मॉलिक्यूल, साइड प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है ये क्या हो सकता है, वॉटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई एल्कोहल हो सकता है, या CO2 कुछ भी हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट विच कुड बी वॉटर अमोनिया CO2 एल्कोहल। समझ में आ गया। अब पहली बार थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है जनरली, तो उसमें कौन सा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस लगता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और वो पॉलीमर कौन से होंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूं पहले से ही, आप मुझे बताइए आपने कभी कोई कंडेंसेशन पॉलीमर एग्जाम्पल किया है, याद करो बेटा, नायलॉन अभी पढ़ाया था, नायलॉन 6,6 है ना, इसमें क्या हुआ था, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड आपस में क्या हुए थे, लिंक्ड हुए थे, कंडेंस हुए थे कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू, और साथ में क्या निकला था, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। याद है आपको बताया था, देखिए COH को ओपन करके लिखो, सी डबल बॉन्ड ओ OH, NH2 के कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकल जाता है और आपको यहां अमाइड लिंकेज मिल जाती है। इस टाइप से बहुत सारी अमाइड लिंकेज होंगी, दैट्स व्हाई दीज आर दीज पॉलीमर्स आर कैटेगराइज्ड अंडर पॉलीअमाइड कैटेगरीज, पॉलीअमाइड बहुत सारे
अमाइड, ये होता है अमाइड NHCO, और ये पॉलीमर कौन सा बन गया, नाइलॉन 6-6, है ना। एक पॉलीमर और है आपके पास, ग्लिप्टर। ग्लिप्टर, ग्लिप्टर किससे मिलके बना है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का GLY लिया प्लस थैलिक एसिड, ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। ग्लाइकॉल देखो क्या होता है, ये CH2 OH OH, एडजेसेंट CH2 पे OH ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, डाइऑल है ये, दो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको नाम क्या दे दिया, ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH। और थैलिक एसिड होता है बेटा, अगर बेंजीन रिंग पे एडजेसेंट पोजीशन पे दो COH ग्रुप लगे हों, तो ये क्या होता है आपका, थैलिक एसिड। अब इन्हें ज्वाइन करना है, ध्यान रखना केवल फंक्शनल ग्रुप जो है वही मेन चेन में आनी चाहिए, बाकी चीजें नहीं। तो देखो कैसे लिखते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, किससे अटैच है, CH2, देन CH2OH, लिख दिया CH2OH, CH2OH प्लस, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो COOH, COOH, ये देखो कैसे अटैच है बेंजीन रिंग से, इस तरह से, है ना। आप इसे ऐसे घुमा के लिख सकते हो ना, देखो ऐसे COOH, COOH, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, क्या निकलेगा यहां से, वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से ये चेन भी यहां चलेगी और ये चेन फर्दर चलेगी, तो आपने N मॉलिक्यूल्स इसके लिए लिए, N मॉलिक्यूल्स इसके लिए लिए, तो देखो O कनेक्ट हो जाएगा इसी तरह से, CH2 CH2 O, H2O निकल गया, क्या बचा, CO। अब ये किससे अटैच है, इस बेंजीन रिंग से, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, साइड चेन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और CO, ये इस टाइप से N टाइम्स आपकी रिपीट हो रही है, और साथ में क्या निकला आपका, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है। समझ में आया बेटा, रिपीट कर रही हूं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब दो मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, कंडेंस होती हैं, तो साथ में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, वो वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, या CO2 हो सकता है। तो नाइलॉन 6-6 तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इस बार हमने क्या लिया, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का GLY यानी कि ग्लाइकॉल, और ये किससे आया है, थैलिक एसिड से आया है, थैलिक एसिड यानी कि COOH ऑन एडजेसेंट पोर्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो हमने क्या किया, इसे ओपन करके लिखो CH2OH, CH2OH, और ऊपर क्या लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप, और बाकी बेंजीन रिंग नीचे है, उसे ध्यान रख देना, वो ऐसे रहेगी। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये जुड़ गया, समझ में आया। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, धीरे धीरे ये सारे मॉलिक्यूल्स फिर से रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट से रिवाइज करें, क्लासिफाई किया है पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच और नेटवर्क वाला, है ना, क्रॉस लिंकिंग। लीनियर एग्जांपल्स क्या था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांचिंग का क्या था, लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्रॉस लिंक एग्जांपल क्या है, बैकेलाइट, ठीक है। और हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स विच हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके एग्जाम्पल्स है रबर, इलास्ट, देखो ध्यान कैसे याद कैसे करो, इलास्ट मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी, किसमें आती है, रबर में आती है। फाइबर यानी कि धागे, धागे यानी कि कपड़े किससे बनते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक वाली चीजें, PVC, पॉलिथीन, PAN, ये सब किसमें आ गए, थर्मोप्लास्टिक में, इनके फोर्सेस फाइबर और इलास्टोमर के बीच में आते हैं। लास्ट क्या था, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग एक बार हीट करके सेट हो गए, इसका मतलब बार बार उन्हें रीशेप नहीं कर सकते हो, समझ में आया। लास्ट में हमने पढ़ा था मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन में आके जुड़ते चले गए, कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, कंडेंसेशन में जुड़ेंगे लेकिन कुछ रिलीज हो जाएगा, तो ये एक एक स्टेप के थ्रू बढ़ता है, इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना इनफ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।